अश्विन जी के बारे में? नहीं, मैं अश्विन जी के बारे में नहीं बात करना चाहूंगी अभी। व्हाट हैपेंड? क्या इनके साथ क्या हुआ था जो नहीं बोल? क्या हुआ था? आप पूछिए ना उनसे, उन्होंने क्या क्या पूछा मुझे। क्या हुआ था? मैंने इनके लाइफ के बारे में पूछा। पास्ट की प्रेजेंट? पास्ट। क्यों, क्या पूछे? इनका पास्ट क्या था, इनका कल क्या था, सब मैं जानना चाहता था। हर एक बात पूछी, पार्टी के बारे में पूछी कुछ बातें, शायद उनको बातें बुरी लगी। पास्ट आपने मुझे क्या पूछा? एक तरीका होता है लड़की से बात करने का। कि मुझे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है शादी के पहले हर बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी, हर बात क्लियर होनी चाहिए। तो बस मैंने वो हर बात क्लियर करना। सबके साथ भी तो मैंने डेट की है। शायद उनकी हर एक बात एक क्लियर हुई होगी पहले आपकी, हो सकता है। ऐसा नहीं, उन्होंने अपने डिग्निटी में एक वुमेन को रिस्पेक्ट करते हुए। बट मैं अपने सामने के लाइफ के बारे में अगर सोचता हूं, जो क्षितिज जी ने भी मुझे अपने पास्ट के बारे में पूछा है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है। मैं उनकी डेट से उठकर नहीं आई हूँ। कल जाके राखी जी कोई मुझे सेकंड पर्सन आपके बारे में मुझे क्या पूछा पता है? हाँ? क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? मैं तो साफ कहता हूँ, जो चीज औरत के मर्यादा को ध्यान में रखकर नहीं पूछी गई है, उसको आप ना ही पूछें इस समय, ना ही बताएं। बट मैं बताऊंगी। फिल्म इंडस्ट्री में आप इतनी आगे बढ़ी हैं, आपने लोगों को हैंडल कैसे किया जब आपको कॉम्प्रोमाइज के बारे में? यही तो होता है कि सिनेमा के बाहर यही लोग समझते हैं कि ये गलत रास्ते से ही यहाँ की लड़कियाँ ऊपर आती हैं, यहाँ की हर लड़की गलत होती है। ये बहुत बड़ा पाप सोचा आपने। मुझे पूछा आप अभिषेक के साथ में आपका रिलेशन था? आई सेड यस था, फिजिकल रिलेशन था।